आपको करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर है, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता और उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आज की चर्चा में कई और दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन गौरव भाटिया, संजय सिंह को बेल मिल गई है, अब आप क्या कहिएगा? अमित जी, मैं तो वो कहूंगा जो दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, अरविंद केजरीवाल को बेल भी नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को 5 बार कोर्ट से झटका लगा है। और मैं ये कहूंगा कि आज ये साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। जो ये लोग आरोप अनर्गल लगाते थे कि न्यायपालिका को एक व्यक्ति चला रहा है, लोकतंत्र मर गया है, ये तो इनके मुंह पे करारा तमाचा है। इनको समझना चाहिए बेल में और एक्विटल में, जब आप दोष से रहित हो जाते हैं, बहुत फर्क है। बेल मिली है, अभी कोई ये नहीं है कि आज बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है। दूसरी बात आपको एक और समझनी होगी, ये बेल तब मिली है जो कानून की प्रोसीडिंग में कोर्ट ने सेक्शन 45 PMLA एक्ट का हवाला दिया, और हमारे देश का कानून PMLA का ये कहता है कि बेल तभी दी जा सकती है जब कोर्ट ये कहे कि प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं है, जिसके इम्प्लीकेशंस जो है आगे ट्रायल पे चलते। तो जब ये बात सरकार के जो ASG हैं उनसे पूछी गई, उन्होंने बिल्कुल तटस्थता से इन ऑल फेयरनेस ये बात रखी कि नहीं, हम लोग इसे कस्टडी में कंटिन्यू रहे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दे दी, लेकिन अभी ट्रायल बाकी है, आगे आगे देखिए कहीं ऐसा ना हो। आगे आगे आप तो गौरव भाटिया, अगला सवाल प्रियंका, आप थोड़ा इंतजार करिएगा, प्रियंका आप थोड़ा इंतजार करिएगा, मेरा आगे सवाल यही है आपसे गौरव भाटिया। आपने हमेशा बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आगे आगे आकर अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है, इसके मायने क्या है? अमी जी, आप एक पहलू देख रहे हैं पूरी जांच का, मैं आपको कई पहलू दिखा रहा हूं। मैंने बताया शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनकी बेल नहीं हुई, 5 बार कोर्ट से झटका खाए हैं, पहला तथ्य। दूसरा पहलू तो ये भी है, मनीष सिसोदिया की भी बेल 14 महीने से नहीं हुई है। और पहलू ये भी है, आपकी बात, कि इसका मतलब संजय सिंह 6 महीने के बाद बेल हो जाती है। लोकतंत्र जो आज का हमारा पॉइंट था, जो आज का हमारा बाहर निकलने ही नहीं वाले, इसका मतलब जो आज का हमारा पॉइंट था, इनकी बढ़ गई है। जी जी, जो हमारा आज का पॉइंट है, लोकतंत्र जेल में सरकार, लोकतंत्र तार तार, यानी एक सिटिंग CM जेल में है, क्या ये लोकतंत्र को तार तार करने वाली बात नहीं है? ये बात आपसे विदेशी, ये बात आपसे बाहरी मुल्क भी पूछ रहे हैं, ये सवाल प्रश्न खड़ा होगा। गौरव, अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप रिपीट करेंगे अमीश? मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि जेल में सरकार, हाँ, अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या यह लोकतंत्र तार तार नहीं है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग CM को जेल भेज दिया गया है, और इसके ऊपर आपसे विदेशी देशों ने भी सवाल पूछे हैं, पूछे कि नहीं पूछे? अमीश जी, आपको मालूम है हमारे भारत में सबसे पहले हमारी जो संप्रभुता है उसका असूल क्या है? कौन बाहरी देश है जो हम पे सवाल उठा सकता है? भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है जी, और ये सवाल तब उठाए गए जब अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली। तो क्या आप मानते हैं कि ये विदेशी ताकतें हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने के लायक है? मैं तो नहीं मानता, और मैं तो इसे गलत ठहराता हूं, जैसे सरकार ने अपने स्टेटमेंट में गलत ठहराया है, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है, ये मेरा प्रश्न था, लेकिन बहरहाल आपने इसको जैसे अपने ढंग से जवाब दिया वो आपका इंटरनेशनल, इसलिए प्रियंका कक्कड़ मैं बता दूं, एक लाइन ईडी से, ईडी के, ईडी ने बेल का विरोध नहीं करा तो बेल मिल गई, अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है,
और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। उसी ईडी ने बोला कि हाँ संजय सिंह को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, कहिए क्या करिएगा। सभी को नमस्ते अमीश जी। अमीश जी, इस मामले में तथा कथित शराब घोटाले में जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया और शायद हो सकता है भूमिका गौरव भाटिया की भी रही हो, क्योंकि इतना पुअर घोटाला है, पर इन्होंने जो कानून में संशोधन कर दिए थे 2018 में पीएमएलए के कानून में, मैं लगातार आपके चैनल पे आकर बता रही थी कि बेल हो ही नहीं सकती जब तक ईडी बेल पर आपत्ति ना करे। इन्होंने कानून ऐसा बना दिया। तभी छगन भुजबल के केस में जब ईडी ने केस में कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, तब उनका केस बंद हुआ। शरत रेड्डी के केस में जब ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरत रेड्डी को कमर दर्द है, बेल पे जाने दे, तब बेल मिली। ऐसे ही राघवा रेड्डी के केस में जब भाजपा ने टिकट दे दी उनके पिता को, मंगुता रेड्डी को, टीडीपी से, तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब उनको बेल मिली। ये दोनों सरकारी गवाह बने थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति बनेंगे जिनकी वजह से पीएमएलए कानून, जिस जो संशोधन इन्होंने किए, वो संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाएंगे। आज संजय सिंह जी देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो भाजपा ज्वाइन किए बिना साफ हो गए। जो ईडी को लगातार फटकार पड़ी आज कोर्ट में, आई होप आपने देखा हो, आई होप आपके दर्शकों ने देखा हो कैसे ये पूरी भूमिका रची गई। 500 हम पे रेडे हो गई, 54 की रिकवरी नहीं हुई और हमें लगातार प्रताड़ित किया गया पीएमएलए के कानून में। लेकिन 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 बात होती है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, जो मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, देखिए पॉइंट ये है कि आप भी, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं और आप भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलती है, मैं ये सुविधा के अनुसार आपकी पार्टी भी बोलती है। लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं था जब तक संजय सिंह को बेल नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते कोई फ्रीज नहीं हुए थे, बिल्कुल फ्रीज नहीं हुए थे। गलत बयानी करी कांग्रेस पार्टी ने और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने राहत दे दी कांग्रेस पार्टी को उस मामले के अंदर, तब लोकतंत्र ठीक हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मन का हो तो हमें अच्छा लगेगा, और मन का ना हो तो फिर वो लोकतंत्र खराब हो जाता है। तो ये तो दोधारी तलवार है ना मैडम। नहीं, मैं आपको समझाती हूं। जी समझाएंगी क्या? ये तो सामने देख रहा हूं ना मैं। देखिए लगातार देखिए ना, सुनिए ना, मैं समझा देती हूँ, शायद आपको दर्शकों को समझ आ जाएगा, दर्शकों को तो आ जाएगा। देखिए लगातार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकारों के फंड्स रोकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। लगातार इनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जन कल्याण सुविधाओं की जो फाइलें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट जाके वो करवाना पड़ता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है कि ईडी को इन्होंने उघाई डिपार्टमेंट बना लिया है अपना, जो एक्सटोर्शन करती है इनके कहने पर, जैसे शरद बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर के ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन गौरव भाटिया, ईडी इज इक्वल टू जिसे कहते हैं, जो बयान करा कि उगाही करने का डिपार्टमेंट हो गया है, वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है ईडी। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर ये बात कह रही है, सीनियर प्रवक्ता ये बात कह रही है। गौरव रिप्लाई, जेल से जो सरकार चला के शराब का धंधा चलाते हैं वो यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए गुगला संजय सरोज को क्यों लिया आपने, सॉरी भगवती प्रसाद जायसवाल, अमित जी शांत कराइए, जैसे ही इनके मुंह पे ऐसी कोई बात आए भगवती प्रसाद जायसवाल का भी उत्तर देते, बढ़ जाती है, इन्हें चुप कराया करिए। एक एक करके 40 सेकंड गौरव भाटिया बोल रहे हैं। प्रियंका जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, गौरव भाटिया 40 सेकंड में क्यों पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो जेल से सरकार चला रहे हैं ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे, गजब के दोगले हैं ये तो। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा लिया अरविंद केजरीवाल से, आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है भाई आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब किंगपिन ने अपने ही लोगों को फंसा के सुनीता केजरीवाल का रास्ता खोल दिया है। और तीसरी बात, आज आतिशी मार्लेना प्रेस वार्ता करती हैं, फिर से वही पुरानी कहानी, ओ नानी ये क्या हो गया। मैं जानना चाहता हूं पुलिस में क्यों नहीं जाती, बताएं कि किसका फोन आया। ठीक है, पॉइंट है आपकी बात के अंदर, कंप्लेंट कराएं या न्यायालय चली जाएं।
भाई पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है, आप न्यायालय जाओ। लेकिन ये क्यों